हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कॉकटेल वीडियोस। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है कॉकटेल वीडियोस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जुलाई 2021 में जो बदलाव होने जा रहे हैं उनके बारे में, यानी कि कुछ चीज़ों पे महंगाई बढ़ने जा रही है जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, घरेलू यूज़ के लिए हैं, उन पर कुछ महंगाई बढ़ने जा रही है, उनके दाम ऊपर हो रहे हैं, तो आज उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, आपने अब तक न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के द्वारा देख ही लिया होगा कि देश में किन किन चीजों पे दाम बढ़े हैं और क्या क्या जुलाई महीने से बदलाव हो रहा है। तो सबसे पहले है, देश में दूध के दाम बढ़ेंगे। दूध की जरूरत तो अब हर इंसान को है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक हर इंसान को दूध की जरूरत है। तो अमूल कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा, तो अमूल कंपनी जो है वो अपने दूध में 2 रुपए बढ़ोतरी करने जा रही है, यानी कि अब देश में अमूल का दूध जो है आपको पहले की कीमत पर 2 रुपए ज्यादा चुकाना पड़ेगा। यानी कि अमूल गोल्ड दूध जो था पहले वो 56 रुपए का था, अब 58 रुपए का हो जाएगा। दूसरा बदलाव ये है कि SBI बैंक में से 4 बार पैसा निकालने के बाद लगेगा शुल्क, यानी कि मतलब अब SBI में अगर आप ATM से पैसे निकालते हैं या काउंटर पर से आप अपना कैश कलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ 4 बार ही निःशुल्क मिलेगा। अगर आप उसके बाद जितनी बार आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका आपको चार्जेस देना पड़ेगा, तो वह चार्जेस होंगे 15+ GST, यानी कि आप 5वीं बार कैश निकालने जाते हैं बैंक में तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे प्लस GST, यानी कि जो 4 बार फ्री था वो 4 बार के बाद आपको 5वीं बार पैसा पे करना ही पड़ेगा। तो थर्ड अपडेट ये है कि गैस के दामों में होगी बढ़ोतरी। गैस तो हर घर में यूज़ होती है और गैस के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जुलाई महीने से और बढ़ेंगे, यानी कि खाना बनाना हो जाएगा और महंगा। ऑयल कंपनियाँ जितनी भी हैं वो अपनी कीमतों में हर महीने रिवीजन करती हैं और नए कीमतें डिसाइड करती हैं, तो देश के अलग अलग राज्य में अलग अलग ऑयल कंपनियां अलग अलग हिसाब से प्राइस डिसाइड करती हैं। तो अभी अलग अलग राज्य में अलग अलग कीमतें डिसाइड की जाएंगी। चौथा बदलाव ये है कि चेक बुक के लिए भी आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। SBI बैंक ने अभी रूल चेंज किया है कि पूरे देश में सिर्फ 10 पेज की चेक बुक ही निःशुल्क दी जाएगी। अगर आप 10 पेज की चेक बुक खत्म होने के बाद नई 10 पेज की चेक बुक लेने SBI बैंक जाते हैं तो उसके लिए आपको 40 रुपए देने होंगे, और अगर आप 25 पेज की चेक बुक लेने SBI बैंक जाते हैं तो उसके लिए आपको 75 रुपए चुकाने होंगे प्लस GST। ये भी एक तरह की महंगाई है। पांचवा बदलाव ये है कि अगर आप कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल, स्कूटी स्कूटर लेने जाते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। स्कूटर या मोटरसाइकिल पर आपको 4,000 से लेकर 5,000 रुपये तक ज़्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति, उसने भी अपनी कीमतों में बदलाव किए हैं। अगर आप मारुति की कार खरीदने जाते हैं तो आपको उसके लिए ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। इन कंपनियों का कहना है कि देश में रॉ मटेरियल जो है वो महंगा हो गया है, उसके चलते हमें कारों की भी कीमत बढ़ानी पड़ रही है। छठा बदलाव ये है कि अगर आपका बैंक अकाउंट सिंडिकेट बैंक में है तो उसका IFSC कोड चेंज हो गया है, यानी कि IFSC कोड चेंज होने की वजह यह है कि सिंडिकेट बैंक जो है वो कैनरा बैंक में मर्ज हो गया है, तो IFSC कोड भी ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगा, तो जो सिंडिकेट बैंक के यूजर हैं वह ट्रांजेक्शन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि IFSC कोड क्या है। सातवां बदलाव यह है कि 1 जुलाई 2021 के बाद अगर आप IDBI बैंक के कस्टमर हैं तो जो आपको IDBI बैंक की तरफ से 20 पन्नों की चेक बुक मिलती थी वो फ्री मिलेगी, और उसके बाद जो आप चेक बुक लेंगे उसके लिए आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। आठवां बदलाव सबसे बड़ा बदलाव है, यानी कि जो करदाता हैं जो टैक्स देते हैं, तो टैक्स पेयर ने अगर जुलाई से पहले अपना टैक्स दे दिया है तो ठीक है, नहीं तो जुलाई के बाद
यानी 1 जुलाई के बाद TDS डबल देना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में जो बजट पास हुआ था उसमें ये प्रावधान है कि पिछले दो वर्षों से जिन्होंने आयकर नहीं भरा है उनका जुलाई 2021 के बाद डबल TDS काटा जाएगा और इनकम स्रोत पर कर संग्रह अधिक दर पर होगा। ये नियम सिर्फ उन पर लागू होगा जिनका एक साल में 50,000 से अधिक आयकर बनता है। ये सिर्फ उन्हीं पर ही लागू होगा जिनका 50,000 से अधिक टैक्स बनता है। और मेन चीज जो कि सबसे कॉमन है, पेट्रोल के दाम जो कि हर मिनट में, हर घंटे में, हर दिन बढ़ रहे हैं और उसकी महंगाई तो सबको झेलनी पड़ रही है। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।